पाकिस्तान नेवल एकेडमी की रूटीन दूसरी एकेडमी की तरह ये भी बहुत टफ है। जब ये सिविल से आता है उसके माइंड सेट को फौजी मिलिट्री माइंड में लाने के लिए ये परेड जो है वो करवाई जाती है। उसमें तमाम की तमाम एक्टिविटी जो हैं वो बताई जाती हैं कि ग्राउंड के अंदर आपने कैसे चलना है, कैसे फार्म अप होना है और कैसे एक्टिविटीज़ को आपने करना है, जिससे तीन चीज़ें जो है वो बहुत नुमाया हैं। सबसे पहले उसको डिसिप्लिन सिखाई जाती है और उसके बाद उसकी जो फिजिक है उसको ठीक करने के लिए स्मार्टनेस का बहुत बड़ा रोल है सर। और तीसरी बात ये है कि इम्प्रूव द वर्ड ऑफ कमांड। कैडेट के साथ ग्राउंड के अंदर हमारा कंसेप्ट वाजा है कि वो स्टूडेंट और हम उस्ताद। उस्ताद का तलक बिल्कुल उसको हर चीज़ सिखाना, आसान तरीके से सिखाना, ईमानदारी से सिखाना, क्योंकि ये सब का कंसेप्ट क्लियर है कि ये फ्यूचर का लीडर हम तैयार कर रहे हैं। हमारा ये एम है कि हमने अपने स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार करना है वो जब किसी के सामने खड़ा हो तो सब लोग ये महसूस करें ये पाकिस्तान नेवी से क्वालिफाइड हैं और इनको अच्छे इंस्ट्रक्टर ने तालीम और तरबियत दी है। पासिंग आउट का दिन हमारे लिए इंस्ट्रक्टर की एक मराज का दिन होता है। जिस तरह कैडेट के लिए खुशी का दिन होता है, इसी तरह उस्तादों के लिए भी ये बहुत इंतहाई खुशी का दिन होता है। इसलिए कि कैडेट डे वन से हमारे साथ उनका लेजान एज ए उस्ताद और स्टूडेंट के हैसियत से होता है। जब वो हमारे हाथ से ग्रूमिंग होकर तमाम चीज़ें सीखकर ग्राउंड से पास होकर विद ग्रेट ऑनर के साथ जाते हैं तो हमें इंतहाई खुशी होती है और हम पूरी दुआओं के साथ उनको अलविदा करते हैं। यहाँ से पास होने वाला तमाम अफसर कैडेट एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर, एज ए गनी इंस्ट्रक्टर, वो मेरा मान है, पाक बहरिया का मान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मान है और ये मान हमेशा रहेगा।